हेलो गाइस, आज हम आर्टिकल 29 और 30 स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 29 और 13 में क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। ठीक है, आर्टिकल कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, इसमें आर्टिकल 29 और 30 आता है। ठीक है, आर्टिकल 29 में क्या आता है, आर्टिकल 29 में आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ए इंटरेस्ट ऑफ ए माइनॉरिटी। ठीक है, जो माइनॉरिटी है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब ये माइनॉरिटी क्या होती है, माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जिसकी कम मतलब कि वो पीपल्स जिनकी जनसंख्या कम होती है, जैसे कि हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे अगर 100% लोग रहते हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, 70% मुस्लिम की है और 30% किसकी है, हिंदू की। तो हिंदू क्या हो गए यहाँ पे, माइनॉरिटी में। ऐसे कई जगह में जहाँ पे हिंदू ज़्यादा होंगे मुस्लिम कम होंगे, तो वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में होंगे। और आर्टिकल 29 यही बोलता है, आर्टिकल 29 ये बोलता है कि इनके इंटरेस्ट को, ठीक है, इनकी जैसे लैंग्वेज को, कल्चर को, ठीक है, स्क्रिप्ट को, ठीक है, प्रोटेक्ट करना आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सकें। ठीक है, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये आर्टिकल 29 बोलता है। फिर आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बोलता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो माइनॉरिटी किस बेस पे, रिलीजियस बेस पे और लैंग्वेज बेस पे। ठीक है, ये भी पूछते हैं कि माइनॉरिटी कौन से बेस पे, रिलीजियस और लैंग्वेज बेस पे। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इनको अधिकार है आर्टिकल 13 के हिसाब से। अब तीन टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे ये एक हो गया कि ये गवर्नमेंट से हेल्प लेना चाहती है, दूसरा हो गया कि रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ हमें भी गवर्नमेंट की, हम भी गवर्नमेंट लिमिटेड बन सके, हमें भी गवर्नमेंट की पहचान हो, और थर्ड होता है कि कोई भी नहीं। ठीक है, ना ही वो हेल्प लेना चाहती है और ना ही रिकॉग्नाइज, वो खुद अपने हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिशमेंट करेगी। ठीक है, ये था हमारा कल्चरल एजुकेशन राइट। आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटीज़ होती है, माइनॉरिटीज़ कौन सी होती हैं, जो पॉपुलेशन हिसाब से, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से जिनकी कम वैल्यू होती है, ठीक है, कम नंबर में जो लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 में क्या है कि जो माइनॉरिटी होती है उनको अधिकार है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ओपन करने का। ठीक, इसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ठीक है, रेमेडीज़ का मतलब होता है कि सुधार, ठीक है, सुधार करना। ठीक, ये आर्टिकल 32 में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 32 में आता है। आर्टिकल 32 में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, इसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, उसने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 32 को किसने सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्टिकल 32 को सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर कौन थे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो भी कौन थे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला हुआ है। आर्टिकल 32 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है इसमें क्या होती है, रिट्स होती हैं। रिट का क्या मतलब होता है, रिट होता है कि रेमेडीज मतलब कि फाइनल डिसीजन। जैसे कोई बोल देता नहीं, हाँ मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे कि ये काम होना चाहिए, तो ये रिट होता है। ये हमारे आर्टिकल 32 और 225 में आता है। जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर रिट इशू करने की, वो आर्टिकल 32, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के हिसाब से रिट इशू कर सकता है। और जो हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 225 के हिसाब से, ठीक है, 225 के हिसाब से। अब अगर देखा जाए, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट पे, इसके फंडामेंटल राइट पे रिट इशू कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट पे भी और लीगल राइट पे भी, ठीक है। अब रिट के हिसाब से देखा जाए तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, और इसको कौन से आर्टिकल से पावर मिलती है, हाई कोर्ट को 225 और सुप्रीम कोर्ट को 32। ये आर्टिकल भी बहुत बार पूछे हुए हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है और आर्टिकल 225 हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने की। अब ये जो रिट हैं, रेमेडीज हैं या फाइनल डिसीजन हैं, ये कितने टाइप की हैं, पांच टाइप की हैं, ये भी पूछा हुआ है। कितने टाइप की रिट्स हैं हमारे, पांच टाइप की है। पहली है हैबस कार्पस, दूसरी है मैंडमस, तीसरी है सिसोरी, प्रोहिबिशंस और क्यू वारंटो। ठीक है, क्यू वारंटो, ठीक,
फाइव टाइप की रिट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हैबस कॉर्पस, मैंडमस, सिरसोरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। ठीक, अब ये सारे क्या हैं, लेटेंट वर्ड है। ठीक है, सारे क्या हैं, लेटेंट वर्ड है। अब जो हैबस कॉर्पस है उसका क्या मतलब है, अब फर्स्ट रिट रिट है हमारी हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, टू ब्रिंग अ बॉडी, किसी बॉडी को पकड़ना। ठीक है, हैबस कॉर्पस का लेटन वर्ड होता है कि टू हैव अ बॉडी, ठीक, किसी बॉडी को पकड़ना। अब इसकी हम एग्जांपल से देखते हैं कि हैबस कॉर्पस क्या होती है। अब जैसे किसी पुलिस ने, ठीक है, किसी पुलिस वाले ने किसी को पकड़ लिया है, ठीक है, किसी भी इंसान को पकड़ लिया है, और उन्होंने उसको रिमांड में लिया, पुलिस कस्टडी में लिया, और ना ही उसको कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, ठीक है, ना ही उसको कोर्ट के सामने। अब कोई भी बंदे को जब लेते हैं, हमने आर्टिकल 22 में पढ़ा हुआ है कि उसको कोर्ट के सामने में ट्रायल होने के बाद कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट उसके बाद क्या करता है, फाइनल डिसीजन देता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको पकड़ के रखा हुआ है और कोर्ट के सामने में, कोर्ट के सामने पेश ही नहीं कर रहे हैं। फिर उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, चाहे मदर हो गया, फादर हो गया, फ्रेंड हो गया, कोई भी, उसके रिलेटिव्स क्या करते हैं, अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हैं कि वो कोर्ट के सामने पेश। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जांच पड़ताल करता है, देखता है, फिर वो पुलिस पुलिस के ऊपर रिट इशू कर देता है। कौन सी रिट इशू करता है, हैबस कॉर्पस, कि आप इसको ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पुलिस के ऊपर रिट इशू करता है, कौन सी, हैबस कॉर्पस, और उनको बोलता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर फाइनल डिसीजन है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इस बंदे को कोर्ट में पेश करना है, ठीक है, कोर्ट में पेश करना, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी ये गलत है या ठीक है, जो भी वो बात की बात है। ठीक है, अब हमने देखा हैबस कॉर्पस कैसे इशू करते हैं, कौन करता है इशू हैबस, जैसे किसी पुलिस वाले ने किसी को पुलिस कस्टडी में ले लिया, ठीक है, पुलिस कस्टडी में ले लिया, उसको कोर्ट में पेश ही नहीं कर रहे हैं, तो उसके रिलेटिव्स क्या करेंगे, कोर्ट में जाके अपील करेंगे, ठीक है, अपील करेंगे कि हैबस कॉर्पस रिट इशू करो, फिर सुप्रीम कोर्ट को ठीक लगेगा तो वो हैबस कॉर्पस रिट इशू करता है पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस वालों को बोलता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर इसको 24 घंटे के अंदर अंदर इसको 24 घंटे के अंदर अंदर इसको कोर्ट में पेश करो। ठीक है, ये होती है हैबस कॉर्पस। ये दोनों पब्लिक पे भी और प्राइवेट बॉडी पे भी इशू होती है, ठीक है, पब्लिक बॉडी पे भी, प्राइवेट बॉडी पे भी इशू होती है। ठीक है, अब सेकेंड है मैंडमस। ठीक है, मैंडमस, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है, हमारी कमांड, मतलब इसका ये मतलब होता है कि टू डू योर जॉब, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टू डू योर जॉब, अपनी जॉब करो अच्छे से, ठीक, ठीक है, मैंडमस वो होती है कि जो क्या बताती है कि अपनी ड्यूटी करो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन ने पुलिस कंप्लेन करवाई, ठीक है, पुलिस कंप्लेन की, लेकिन वो कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो हाई कोर्ट में जाके अपील करता है कि मैंडमस इशू करें। तो जो सुप्रीम हाई कोर्ट जज होते हैं वो क्या करते हैं, पुलिस वाले पे मैंडमस रिट इशू कर देते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि इनकी कंप्लेन लिखो, तो ये बोलते हैं क्यों, ये बोलते हैं कि आपकी ये ड्यूटी है, ठीक है, आपकी ये ड्यूटी है, आप ये करो, ठीक है, जैसे हम लोग कुछ अगर बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट काम के लिए जाते हैं, तो अगर वो हमारे काम नहीं करते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे काम नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ़ रिट इशू कर सकते हैं, कौन सी, मैंडमस, कि आप अपनी ड्यूटी करें अच्छे से, ठीक है, आप अपनी ड्यूटी करें अच्छे से। जैसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, है ना, अगर वो भी अपना काम, अगर डॉक्टर चेकअप नहीं कर रहा है अच्छे से, तो हम उसके ऊपर भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके ऊपर भी रिट इशू कर सकती है मैंडमस, ठीक है, मैंडमस, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके ऊपर रिट इशू हो सकती है मैंडमस, कि अपनी ड्यूटी करें आप, ठीक है, अपनी ड्यूटी करें आप, ठीक है। और ये
ये अगर देखा जाए इसमें एक्सेप्शंस हैं, जो हमारे गवर्नर होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं उसके ऊपर ये रिट इशू नहीं होती है। किसके ऊपर? गवर्नर और प्रेसिडेंट, उनकी पोस्ट को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, उनकी पोस्ट को सिक्योर करने के लिए ये उनके ऊपर रिट इशू नहीं होती है। एनी पब्लिक बॉडी उसके ऊपर ये रिट इशू होती है, प्राइवेट पे नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा उस पर ही ये रिट इशू होती है। फिर उसके बाद आती है प्रोहिबिशंस, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड का मतलब हो गया कि रोक लगा देना, ठीक है, रोक लगा देना किसी काम को, रोक लगा देना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो लोअर कोर्ट है, सपोज कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसा डिसीज़न ले लेता है कि जो उसके हक़ में है ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसा डिसीज़न ले लेता है कि उसके हक़ में है ही नहीं है, तो हाई कोर्ट क्या करती है, उस पर रोक लगा देती है, उसके डिसीज़न पर रोक लगा देती है। कौन सी रिट के इशू? प्रोहिबिशंस, प्रोहिबिशन इशू, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दो बंदे हैं, राम और श्याम, ठीक, राम और श्याम, इन दोनों की लड़ाई चल रही है, किसके किसको लेके? ज़मीन को लेके, ज़मीन को लेके, ठीक है। हमेशा राम ही जीते जा रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट डिसीज़न दे रहा है और राम ही जीते जा रहा है, लेकिन श्याम भी क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये डिसीज़न थोड़ा गलत या कुछ भी, वो बार बार री अपील कर रहा है, इस पर री अपील कर रहा है, 4 साल के बाद फिर री अपील किया उसने, री ओपन किया केस को, तो फिर से राम ही जीता। फिर जब जज की ट्रांसफ़र होगी फिर री ओपन किया केस, फिर से राम ही जीता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ देख रहा था कि हाई कोर्ट में ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक, तो उसने क्या कर दिया, उसने हाई कोर्ट में प्रोहिबिशन रिट इशू पास कर दी। उसने बोला कि अगर आपने एक डिसीज़न ले लिया तो बार बार आपने डिसीज़न भी दे रहे हो और बार बार री ओपन भी कर रहे हो, है ना, डिसीज़न भी दे रहे हो री ओपन भी कर रहे हो। ऐसे मैं कुछ बोलूँगी, जैसे मैं कोई क्वेश्चन करूँगी तो मैं बार बार वही क्वेश्चन बोलूँगी और उस पर स्टॉप भी लगा दूँगी, ठीक है, ये क्या हो गया कि मेरे मतलब कि जो मेरा राइट है उससे मैं बाहर काम कर रही हूँ, ठीक। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जैसे लोअर कोर्ट अपने हक से जो अपना राइट होगा, जो अपना काम होगा, उससे बाहर अगर काम करता है तो उस पर हाई कोर्ट क्या कर देता है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर देता है, कौन सी? प्रोहिबिशंस, ठीक है। ये ओनली जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पे ही इशू की जाती है, ठीक है। अब है इसके बाद शीर्ष रिट्स, ठीक है।